नमस्कार फ्रेंड्स, आरपी मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक आसान सा स्कूल हैंडबेल डिजाइन सिंगल कलर में। यह हैंडबेल डिजाइन बिल्कुल नए के लिए है। जैसा कि आपने अभी कोरल ड्रा सीखा है और हैंडबेल या पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं, तो जब आप मैटर टाइप कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपके समझ में नहीं आता है कि कौन सा लेटर छोटा करें, कौन सा लेटर बड़ा करें। तो आज का यह वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी के साथ हैंडबिल पोस्टर डिजाइन बना लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं। हैंडबिल की जो साइज है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर A4 साइज में बनाने जा रहा हूँ। तो जो A4 की साइज है वो है 8.268 और 11.693, लेकिन हमें फुल में डिजाइन नहीं करना है, बल्कि इसकी साइज मैं कर देता हूँ 7.5 × 10.5। इसी के अंदर सेट करेंगे हम इन सभी मैटर को। इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ। तो उसके लिए प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से इसके लाइन के विड्थ को मैं कर देता हूँ 4 पॉइंट। अब इसमें हम मैटर सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस फर्स्ट लाइन को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, इसकी साइज थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो टेक्स्ट है वो है प्रवेश प्रारंभ। इसको मैं दोनों साइड में सेट कर देता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा हम बोल्ड रखेंगे प्रवेश प्रारंभ को। इसका फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट में जाएं और यहाँ से बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट कर लें। तो मैंने यहाँ पर इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है। फिर इसको हल्का सा टॉप और बॉटम से बड़ा कर देते हैं शिफ्ट की प्रेस करके। इसके लिए हम एक डिजाइन भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो टूल्स में जाएं और यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ पॉलीगन टूल, जिसका शॉर्टकट है Y। तो मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट कर लिया है। अब प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और इसके पॉइंट्स की संख्या मैं बढ़ा देता हूँ। इसको कर लेते हैं 30, ओके। और फिर सेव टूल का इस्तेमाल करके इस पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, अंदर की साइड लाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको डिजाइन मिल जाता है। अब इसकी साइज मैं बढ़ा देता हूँ लेफ्ट और राइट से। तो शिफ्ट की प्रेस करके मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, लगभग इतना रखते हैं। और फिर इस कॉर्नर से इसकी साइज छोटी भी कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यानी रेक्टेंगल और डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है इंटरसेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो इतना डिजाइन आपको मिल जाता है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस डिजाइन को मैं शिफ्ट के साथ कर देता हूँ पेज डाउन और जो टेक्स्ट है उसका कलर कर देते हैं व्हाइट। और फिर इसकी साइज थोड़ी सी आप और भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अब इसी काम डुप्लीकेट करके राइट साइड में भी सेट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला टेक्स्ट आता है, जो वो है स्कूल का नेम। तो मैं एग्जांपल के तौर पर कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर पब्लिक इंटर कॉलेज। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक इंटर कॉलेज टाइप कर लिया है। अब इसको हमें मैक्सिमम बड़ा करना है, यानी पोस्टर में जो मेन हेडिंग है स्कूल का नेम वो सबसे बड़ा रहेगा। तो इसका भी फॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई बोल्ड फॉन्ट रखते हैं। तो फॉन्ट में जाए और यहाँ से बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसकी साइज मैं बढ़ा देता हूँ, बिल्कुल फुल हैंडबेल में रखेंगे। और फिर बॉटम साइड से इसकी साइज मैं और बढ़ा देता हूँ। उसके बाद अगर टॉप साइड में आप कर्व देना चाहें तो भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, टूल्स में जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है एनवलप। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सिंगल आर्क मोड। इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस नोड को मैं टॉप साइड में ले जाता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको कर्व देखने को मिल जाता है। अब इसके बॉटम साइड में हम रखेंगे एड्रेस। तो एड्रेस मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इसकी साइज भी थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद अगला जो हेडिंग है वो है स्कूल 6 to 12 कला एवं विज्ञान वर्ग। इसकी साइज भी लगभग बड़े ही रखेंगे और इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट मैंने प्रवेश प्रारंभ का फॉन्ट ही रखा है। वैसे कोशिश करें कि बहुत ज्यादा फॉन्ट का इस्तेमाल ना करें एक डिजाइन में, 2-3 या फिर 3-4 फॉन्ट से ज्यादा यूज ना करें एक पोस्टर के अंदर। इसको हम एक रेक्टेंगल में भी सेट कर देते हैं। तो टूल्स में जाएं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें।
रेक्टेंगल का शॉर्टकट है F6। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब इसके कॉर्नर को राउंड भी कर लेते हैं। तो टूल्स में जाएं, शेप टूल सेलेक्ट करें, सिंपली इसके कॉर्नर को मैं फुल राउंड कर देता हूँ। यहाँ पर आपको तीन तरीके का राउंड मिल जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस रेक्टेंगल का एक डुप्लीकेट भी कर लेते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर देते हैं बैक मीन्स फ्रंट, तो इतना पार्ट इसका कट हो जाता है। फिर इसी का डुप्लीकेट करेंगे मिरर लेफ्ट साइड में। तो मिरर डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखें, माउस लेफ्ट बटन से ड्रैग एंड ड्रॉ करके छोड़ देते हैं, इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। फिर इन दोनों को आपस में वेल्ड भी कर देते हैं। तो पहले इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और वेल्ड पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों आपस में वेल्ड हो चुका है। इसकी साइज में थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। इसमें फिल करेंगे ब्लैक कलर, इसके आउटलाइन को डन करेंगे और टेक्स्ट का जो कलर है इसको मैं कर देता हूँ व्हाइट। अब इतना डिजाइन सेट करने के बाद अब हमारे पास है विशेषताएं। तो विशेषताएं को भी हम किसी रेक्टेंगल या फिर सर्कल में सेट कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा बोल्ड ही रखते हैं, यानी इसी फॉन्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें इसकी साइज भी थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। इसको हम सेंटर में रख देते हैं। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, इलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इलिप्स टूल का शॉर्टकट है F7। मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। फिर इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ से कर देते हैं 1.5। फिर इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे इस कॉर्नर से। डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसमें फिल कर देता हूँ ब्लैक कलर और ये जो छोटा वाला सर्कल है इसमें फिल कर देते हैं व्हाइट कलर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सर्कल का डिजाइन देखने को मिल जाता है। फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ कर लेते हैं पेज अप। उसके बाद अब मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर जो हमारी विशेषताएं हैं। इसकी साइज भी थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। कंट्रोल के साथ F11 प्रेस करेंगे, इंसर्ट कैरेक्टर का ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको कुछ सिंबल के फॉन्ट मिल जाते हैं, उसमें से आप अपने अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे उस सिंबल का सिलेक्शन करके आप यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग के तौर पर सेट कर सकते हैं। मैं इस इंडिकेशन को इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो आप इसी के ऊपर ही सेट करें पहले और फिर इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे। कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, माउस लेफ्ट बटन से बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे, इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। फिर कंट्रोल आर का प्रयोग करके मैं इसका और भी डुप्लीकेट कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर डुप्लीकेट कर लिया है। अगर थोड़ा सा ये 19-20 सेट नहीं होता है तो जो लास्ट वाला आपका सिंबल है उसको इसके सेंटर से अलाइनमेंट कर लें। अलाइनमेंट करने के बाद अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, तो ये बिल्कुल सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। आप सभी लाइन को मिला सकते हैं, सभी लाइन के सेंटर में इंडिकेशन सेट हो गया है। अब इसको और बाहर की साइड लाएंगे यहाँ पर, ओके। उसके बाद हमारे पास ये जो इमेज है इसको भी मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। इसका कलर कर देते हैं ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल करने के लिए बिट मैप मेनू में जाएं, यहाँ पर आपको मिल जाता है मोड, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर मिल जाता है ग्रे स्केल। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं इमेज ग्रे स्केल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास अब बचता है संपर्क सूत्र। संपर्क सूत्र को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ बॉटम साइड में और इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं, इसको भी हम बोल्ड ही रखेंगे। उसके बाद इसको हम ब्लैक कलर में भी सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, इलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर और फिर इसको लेफ्ट साइड से बढ़ा देते हैं। इसको थोड़ा सा और टॉप साइड में रखेंगे, इसी का एक डुप्लीकेट भी कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट में कुछ इस तरीके से तिरछा कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको और टॉप साइड में रखेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन मिल जाता है। अब हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को पहले पेज से बाहर कर लेते हैं। इस पार्ट को हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करेंगे। तो टूल्स में जाएं, स्मार्ट फिल टूल सेट करें, सिंपली इस पार्ट को फिल कर दें, फिर इसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इस सर्कल को मैं डिलीट कर देता हूं, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। डिलीट करने के बाद इस डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसको हल्का सा और टॉप साइड में कर लेते हैं। इसमें मैं फिल कर देता हूँ ग्रे कलर, इसके आउटलाइन को नन करेंगे और ये जो रेक्टेंगल है इसमें मैं फिल कर देता हूँ
ब्लैक कलर और टेक्स्ट का कलर मैं कर देता हूँ व्हाइट। यहाँ पर सेट करके इसकी शायद थोड़ी सी और टॉप और बॉटम से बढ़ा देते हैं। कंट्रोल जी से कर लेते हैं ग्रुप। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो हैंडबिल है कंप्लीट तैयार हो गया है, लेकिन इस हैंडबिल में अभी काफी स्पेस बचा हुआ है तो इसको हमें भरना है। तो आप क्या करें, जब इस तरीके से आप डिजाइन बना लें स्पेस आपका खाली रह जाए तो आप इसी के अनुसार इसकी साइज थोड़ी थोड़ी और बढ़ा दें। जैसे कि स्कूल का नेम जो आपने इतना रखा है उसको और भी बढ़ा सकते हैं, फिर एड्रेस की साइज बढ़ा दें और सब बचे हुए मैटर की साइज भी बढ़ा दें। उसके बाद ये जो मैंने इमेज यहाँ पर सेट कर दिया है इसके बॉटम साइड से मैं ब्लर कर देता हूँ। तो ब्लर करने के लिए टूल्स में से यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल, सिंपली बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसी में मिक्स हो जाता है। उसके बाद इस इमेज को हम इसी रेक्टेंगल में कर देंगे पावर क्लिप, तो ये जो बाहर जा रहा है हैंड ये इसी रेक्टेंगल के अंदर पावर क्लिप हो जाएगा। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे पावर क्लिप इनसाइड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अगर आप बिल्कुल नए हैं तो भी आप बहुत ही आसानी के साथ एक आसान सा हैंडबिल डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।